हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम चर्चा करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में चार बातें ध्यान रखनी हैं। क्या प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के संबंध में एक पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के लिए। सबसे पहले, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में, तो कैपिटल पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वहाँ पर जो पूंजी पर ब्याज है वो केवल लाभ होने की स्थिति में ही दिया जाएगा। यानी कि यदि लॉस होते हैं फर्म को, तो उस दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात है, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को देना है और प्रॉफिट भी है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो पर्याप्त नहीं है, जितना इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर देना है उतने प्रॉफिट नहीं है, यानी कि प्रॉफिट कम है, तो उस दशा में जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट बनता है टोटल पूंजी पर, उस इंटरेस्ट की रेशियो में जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और यदि ये प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभों पर प्रभार के रूप में दिया जाएगा, उस दशा में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट एडिक्वेट हो या ना हो, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हर दशा में हमें जो है वो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना होगा। तो ये चार बातें ध्यान रखनी हैं। अब हम इन सब को, ये जो बातें हमने, ये जो प्रोविज़न डिस्कस किए हैं, इनको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमें दिया हुआ है दो पार्टनर हैं, ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ कुछ केस दिए हुए हैं, केस वाइज ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो केस है, उस केस में बोला गया है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है, उसके बारे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और फर्म के पास जो प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट जो हैं 50,000 रुपये दिए गए हैं। तो केस वन में जब साइलेंट है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है, और उस दशा में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को नहीं देते। तो यहाँ पे ये कैसे किया जाएगा, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो केस वन में अब हमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये लिख सकते हैं हम प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। अब और कुछ दिया नहीं गया है और इंटरेस्ट के बारे में साइलेंट है डीड, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारा का सारा जो 50,000 रुपये है ये प्रॉफिट है, और ये पार्टनर को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 50,000, यहाँ लिखेंगे 50,000 और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी। ये जो 50,000 रुपये हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और ये अगर हम बनाते हैं तो रेशियो में बांटेंगे 30,000 और 20,000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा।
फिर से देखिए कि जब हमें पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में, तो वहाँ पर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। जैसे इसमें 50,000 प्रॉफिट था तो वो सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हमें नहीं देना है। अब आइए दूसरा केस करते हैं। केस नंबर 2 सेज पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, 8% वार्षिक की दर से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और लॉसेस फॉर द ईयर ₹50,000। इस केस में क्या है कि जो लॉस हैं फर्म के, प्रॉफिट नहीं है, लॉस हैं ₹50,000 के। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि फर्म को लॉस होते हैं उस दशा में हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो अगर आप इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ट्रीटमेंट अगर करेंगे, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर हमें दिया है, और इसको हमें ट्रांसफ़र कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो कम हो जाएंगी, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। अब यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस फॉर द ईयर, या नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट इसको हम लिख सकते हैं। और ये दिए हुए हमें ₹50,000। अब लॉस के केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना, तो ये सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ए बी वही रेशियो है, तो ये होगा 30,000 20,000। इसको पहले बैलेंस करते हैं, 50,000, यहाँ 50,000 लिख देंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ भी आप 50,000 लिख देंगे, यहाँ टोटल ये भी यहाँ लिखना है। हमने दो केस की बात की। पहला केस था जब पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है, तो उस दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, चाहे प्रॉफिट कितने भी हों, तो जो प्रॉफिट था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। फिर दूसरा केस है कि पार्टनरशिप डीड में ये तो कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फर्म को लॉस हो जाता है, तो लॉस की दशा में हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, तो जितना भी लॉस है वो कैपिटल अकाउंट उससे कम हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाया जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम उसको सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन, लाभों का बंटवारा करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और जब लाभ ही नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाया जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है केस करते हैं। केस नंबर 3 देखिए, यहाँ प्रोवाइड किया गया है कि जो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। तो ये केस करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कहती है 8% की वार्षिक दर से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और प्रॉफिट जो है साल के लिए वो ₹50,000 हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट हैं क्योंकि दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹50,000 हम यहाँ लिखेंगे।
अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाए 8% 16,000 और यहाँ पे 8,000 होगा 24,000, इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए बी 16,000 और 8,000 करके 24,000 हो जाता है, और उसके बाद जो बचेगा इसको हम बांट देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बैलेंस करते हैं 50,000 50,000 और टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, और ये होगा 26,000। तो 26,000 को 3:2 में अगर आप बांटोगे 3/5, 5/5 = 2 और ये होगा 6, 15,600 और ये हो जाएगा 4, 10,400। ये है हमारा केस नंबर 3। इसके बाद केस नंबर जो 4 है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि डीड प्रोवाइड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹15,000। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी कि अगर प्रॉफिट कम है तो हमें जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शनेटली देना होगा, तो वो वाला ये केस है। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर और ये है 15,000। अब क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बनता है 16,000 और 8,000, जबकि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो केवल 15,000 है, तो इस 15,000 को इनकी अगर रेशियो करते हैं ये 2:1, तो इसको प्रॉफिट को इंटरेस्ट हमें 2:1 की रेशियो में देना है। जो इंटरेस्ट हमारा 16,000 और 8,000 बनता था उसको केवल हम 15,000 तक ही दे सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम 15,000 को 2:1 में अगर बांटते हैं तो ये होगा 10,000 और 5,000। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 10,000 और 5,000 और ये 15,000 बन जाता है, और ये अकाउंट भी हमारा बैलेंस हो जाता है। तो ये केस था कि जब हमारे पास अपर्याप्त लाभ हैं तो हमें केवल लाभों की सीमा तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस दशा में हम जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट की रेशियो में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से, क्योंकि प्रॉफिट 15,000 है और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है वो 24,000 बनता था, तो इसलिए 15,000 में से हम इंटरेस्ट की रेशियो में यानी कि 2:1 की रेशियो में हम जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ये हम 4 केस कर चुके हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। 5वां केस देखिए, इस केस में हमें दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस, और हमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट है 15,000 और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 16 और 8 ये बनता है 24,000, तो यहाँ से हमें लॉस मिलेगा, और जब लॉस है हमें पता है लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, तो इस केस में, और क्योंकि हमें ये भी कहा गया ये 4 जोन प्रॉफिट है तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 जोन प्रॉफिट हैं, जो भी चीज़ें 4 जोन प्रॉफिट होंगी वो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ट्रीट की जाएंगी, न कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे हम। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। और इसके बाद क्योंकि हमें ये कहा गया है कि लॉस के केस में भी देना है, चार्ज है, तो यहाँ पे हम करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है इनको 16,000 और 8,000 24,000 दिया जाएगा। अब इसको बैलेंस करिए, 24,000 और यहाँ से जो है 9,000 लॉस होगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट या एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और 9,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम अगर बांटें तो 3/5, 18 * 54 और 18 * 36, 5,400 और 3,600। तो ये हमारे केसेस थे। फिर से एक बार समराइज़ करते हैं, जब डीड साइलेंट हो उस दशा में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, और यदि डीड में प्रोवाइड किया गया है और अगर लॉस हैं फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, केवल प्रॉफिट की दशा में देना है। तीसरे केस में हमने किया था कि डीड में दिया हुआ 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जो है 50,000 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। चौथे केस में था प्रॉफिट कम है, तो उस दशा में जितना इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। और पांचवें केस में अगर बोला जाए कि लॉस की केस में भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और हर दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।